एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज की जो ब्लॉग है वो है मोटो ब्लॉगिंग। और आज हम जाने वाले हैं नवरत्नगढ़ किला, जो कि यहाँ से करीबन उसकी दूरी पड़ती है 70 से 75 किलोमीटर की। और इस दूरी को आज हम तय करेंगे अपने ब्लैक पैंथर के साथ। और मैं हो चुका हूँ रेडी। अभी बज रहे सुबह के 6:30 और करीबन यहाँ से मेरे को 1.5 से 2 घंटे लगेंगे इस दूरी को तय करने में। और आज मैं आपको दिखा दूँ, मैं पूरे राइडिंग गियर्स के साथ रेडी हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने ग्लव्स और गार्ड्स पहने हुए हैं, हेलमेट तो मेरे पास है ही। तो चलिए इस राइड को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे राइड पे। तो अभी हम निकल चुके हैं अपने घर से और हम ढूंढ रहे हैं एक चाय की शॉप, क्योंकि आज हम बहुत ही सुबह उठे थे और जिसके कारण हमारी नींद नहीं पूरी हुई थी और हमने कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। तो सोच रहे कहीं पे एक रुक के चाय पी ले और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी कर ले, उसके बाद अपने राइड को कंटिन्यू रखेंगे। और आज का जो वेदर है वो इतना शानदार है कि वो मेरे राइड को एकदम कम्फर्टेबल बना रहा है। और जनरल वे में होता क्या है कि जब राइड पर निकलते हैं तो ऊपर से हेलमेट एंड राइडिंग गियर्स और उसके ऊपर ही गर्मी, तो वो चीज़ आज बिल्कुल भी नहीं है। और मैं इस राइड को काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, आप भी इस वीडियो को इन्जॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आगे जो चलकर वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ आपको, वो बहुत ही सुंदर जगह है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू बने रहिए। फाइनली हम चाय के दुकान पर पहुँच चुके हैं करीबन आधे घंटे कंटिन्यू ड्राइव करने के बाद। और फिलहाल हम रुके हैं बेड़ों में और यहाँ से करीबन सिसई 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। और अभी आप जो ये जगह देख रहे हैं ये है सिसई, और यहाँ से नवरत्नगढ़ किले की दूरी करीबन 10 किलोमीटर है। और आगे से हमें लेफ्ट साइड की ओर जाना है, जो रास्ता हमें नवरत्नगढ़ किले की ओर ले जाता है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं नवरत्नगढ़ किला और यहां से 1/2 किलोमीटर है डिस्टेंस। और ये जो है तारकोल की जो सड़क है, इससे ठीक बगल से एक रोड जाती है, यहां पे कच्ची सड़क है और यहां से 1/2 किलोमीटर है किला। तो चलिए बढ़ते हैं किले की ओर। और अभी हम बढ़ रहे हैं किले की ओर। रास्ता जो है 1/2 किलोमीटर का तारकोल के बगल से जो आता है बहुत ही ख़राब है, पूरा कच्चा सड़क है। और ये है इसके अगल बगल का नज़ारा, अगल बगल से खेती खेत है और रास्ता जो है आगे और भी ख़राब होते जा रहा है। बट कोई और हमारे पास उपाय भी नहीं है, पैदल जा नहीं सकते क्योंकि अनजान जगह पर स्कूटी कहाँ पे खड़ा करेंगे। और तो देखिए हम पहुँच चुके हैं किले के पास, ये है इसका मेन गेट। और यहाँ से इस किले की बाउंड्री शुरू होती है। कई दिनों से मैं प्लान कर रहा था कि इस किले पे एक बार आके यहाँ पे घूमूंगा और यहाँ की एक वीडियो शूट करके आप लोगों के लिए अपने चैनल पे पोस्ट करूँगा। टाइम नहीं बन पा रहा था और फाइनली आज जो है मैं इस नवरत्नगढ़ किले में आ चुका हूँ। और इसकी करीबन रांची से जो दूरी है 70 किलोमीटर के करीब है। और ये देखिए कुछ इस तरह का लोकेशन है। यहाँ पे पीछे जो देख पा रहे हैं ना आप, वहाँ पे किला है, किला का सिर्फ मतलब खंडर बचा हुआ है, मतलब बस लास्ट ही है, सब कुछ खंडर में तब्दील हो चुका है। हालांकि ये जो किला है ना, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं किले का अवशेष ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और थोड़ा बहुत भाग ही बचा हुआ है। पता नहीं क्यों इतने अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर चीज़ जो हमारे इतिहास के हैं अभी इस हाल में है। देखिए आई थिंक ये मंदिर हुआ करता था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है यहाँ का मेन किला और
कहा जाता है कि ये पहले 9 मंजिला हुआ करता था और हर एक मंजिल पे 9-9 तल्ले हुआ करते थे। और इसके बाद हम चलते हैं मंदिर की तरफ। चारों तरफ इधर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं चारों तरफ पे। और यहाँ पे एक मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पे तालाब है, बोला जाता है यहाँ पे पहले राजा रानी जो है यहाँ के स्नान करने आते थे। और यहाँ से एक गुप्त रास्ता हुआ करता था जो तालाब के भीतर से ही होके उनके कक्ष तक जाता था। फिलहाल वो रख रखाव ठीक नहीं होने के कारण वो दब चुका है और वो सारे जो रास्ते थे वो सब बंद हो चुके हैं। तो चले चलते हैं उस कक्ष के, उस खंडर के तरफ और देखते हैं कि उधर क्या बचा हुआ है देखने को और किस तरह का बनावट है। ये जो आप एक छोटा सा खंडर नुमा किला देख रहे हैं, ये किसी ज़माने में दुर्गा माता की मंदिर हुआ करती थी, जहाँ पे यहाँ की रानी और बाकी लोग भी पूजा करने आया करते थे। और इस किले के चारों तरफ का नज़ारा देखिए, कितना सुंदर और कितने बड़े हिस्से में बना हुआ है। बट देख के काफ़ी दुख होता है आज के डेट में कि इन सब जगहों का इस तरह का हाल है। इन चीज़ों को अच्छे से संरक्षित करना चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपने इतिहास के बारे में जान सके और अपने इतिहास पे उन्हें भी गर्व महसूस हो। तो चलिए अब मैं कोशिश करता हूँ आपको इस किले के बारे में कुछ और भी जानकारी देने की। यह नागवंशी राजवंश की एक राजधानी थी जो कभी इस क्षेत्र पर शासन करता था। इस किले का निर्माण उसी राजवंश के राजा दुर्जन साल ने कराया था। राजा दुर्जन साल ने राजा बनने के बाद मुगलों से सारे संबंध तोड़ दिए। दुर्जन साल का स्वतंत्र रवैया और हीरा पाने की संभावना में जहांगीर ने दुर्जन साल को गिरफ्तार कर लिया और उनसे हीरे ले लिए जाते हैं और उनको ग्वालियर की जेल में भेज दिया जाता है और वे 12 साल उसी जेल में रहते हैं। और अपने असली हीरे की पहचान करने के अपने कौशल के कारण जहांगीर उन्हें 1627 ईस्वी में रिहा कर देता है। जेल से लौटने के बाद वो अपनी राजधानी खुखरा से नवरत्नगढ़ में स्थानांतरित करते हैं। वहां वे किले का निर्माण भी कराते हैं जिसे आज हम नवरत्नगढ़ के नाम से जानते हैं। तो ये थी इतिहास इस नवरत्नगढ़ किले के बारे में और उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नए वीडियो के साथ, एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।